अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स इंजॉय कर रहे होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें याद से, और ये बताना है कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको डॉक्टर को दिखाना था। लाहौर में है उनके डॉक्टर, अपॉइंटमेंट ले चुके हैं हम लोग। वो तबीयत की वजह से उनको बाय एयर भेजना पड़ रहा है। माँ जी की 7 बजे की फ़्लाइट थी, वो निकल चुकी हैं और हम लोग भी ऑलमोस्ट जाने के लिए रेडी हैं, थोड़ी देर तक निकलेंगे। और लाहौर में भी एक डॉक्टर है और अरसलान के एक फ्रेंड है, उन्होंने इस्लामाबाद में भी एक डॉक्टर बताएं, अगर वो लाहौर में समझ नहीं आई कंडीशन उनकी तो ऐसा हो सकता है कि हम इस्लामाबाद भी जाएँ। अरसलान के भाई का तो आप लोगों को बताया था मैंने कि उनका डेंगू पॉजिटिव आया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें वीकनेस है, तो हम परेशान थे उन्हें लेके, तो हमने उन्हें कहा कि आप हमारे साथ बाय कार चलें। तो हम सब एक साथ बाय कार जा रहे हैं और माँ जी जो हैं वो बायर जा चुकी हैं, बस उनकी फ़्लाइट है और हम भी थोड़ी देर तक निकलते हैं। मैं फिर इंशाल्लाह आगे की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जी तो व्यूअर्स, ऐसा प्लान हम लोग कराची से लाहौर के लिए निकल चुके थे और हमने हाईवे से फ्यूल जो है अपनी कार का फुल करवाया और बस फिर चलते गए और अब हम मोरो पर रुके हैं डिनर के लिए। और मैं बस वीडियो नहीं बना सकी, अब मैं इंशाल्लाह आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर शेयर करूँगी और अरसलान भी आप लोगों को बताएंगे कि हम कैसा सफ़र कर रहे हैं। जी हसन की हालत देखें आप लोग, बहुत बुरी हो चुकी हूँ क्योंकि लगातार हम लोग 4-5 घंटे से कार में बैठे हुए थे। और क्या खाया है हसन? मैंने अभी खाई है दाल, वो भी बड़ी अच्छी वाली। और आपको एक बात बताऊं, मम्मा इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मम्मा पूरे रास्ते हमारे ऊपर टांगे रखते हुए सोते रहेंगे। हम इतने मुश्किल हालात से गुजरे हैं, हमको नहीं पता गाइस हमारे ऊपर आधा पहाड़ कब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लाहौर जा रहे हैं और आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज वहाँ बहुत सारे कजन वगैरह होंगे और हम लोग गए थे मार्च में तो देख सकते हैं आप लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज वो पापा के भाई के बच्चे हैं, तो मैं मिलती हूँ आपको वहाँ जाके और दिखाएंगे वहाँ के बच्चे वगैरह वगैरह सब कुछ। ये देखे मैं इन्हें ढूंढ रही हूँ कब से और ये यहाँ पर हैं। क्या कर रही हो यहाँ? कुछ भी नहीं, मैं ऐसे देख रही थी पूरा स्टोर। ये यहाँ अभी कार में इतना सारा सामान है, अब क्या लेना है? अरे मैं ऐसे देख रही हूँ, मेरी मम्मा ना बस। चलो हसन चलो निकलो यहाँ से, सब कुछ है कार में। बस हसन को कुछ ना कुछ चाहिए होता है बच्चों की तरह। चलो देर हो रही है, पापा आ रहे हैं वॉशरूम से। फिर मुझे एक योयो दिखा है और एक ओवर नहीं हो, बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। मुझे एक मिनट मैं कुछ नहीं दिला रही, घर घर ले जाऊँ घर। हाँ इतना लंबा, चलो कौन करेगा, वापस रख कर आ जाओ, वापस रख कर आओ, मैं लेके ही नहीं दूंगी, फजूल हरकतें नहीं करूँ। छोटी सी आपको कहीं 11 साल की लगती है, ये 14 साल। जी अरसलान कैसी जा रही ड्राइविंग? और हम कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। व्यूअर्स जोर से बोलना पड़ेगा आपको थोड़ा। हाँ नो प्रॉब्लम। कहाँ से गुजर रहे हैं अब हम? हम लोग सक्खर से 130 किलोमीटर के फासले पे हैं। 130 किलोमीटर के बाद सक्खर आ जाएगा। अब आप सक्खर, हम थोड़ी देर पहले मोरो से निकले हैं और इससे आगे रोड खराब है। मोरो से आगे ये टू वे की भी है, उन्होंने जो आने वाला रोड है उसको टू वे कर दिया, दूसरी तरफ की रोड बन रही है। तो तमाम व्यूवर्स या तमाम ऐसे जो लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं फ्रॉम कराची टू लाहौर बाय कार, तो उनके लिए ये एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग भी होगा कि जिसके अंदर आपको करंट रोड की सिचुएशन भी पता लग जाएगी
हम लोग शाम 6:30 बजे कराची से निकले थे और 9:30 बजे हम लोग मोरो पहुंच गए थे। ये अच्छा ट्रैवल हमने कवर कर लिया और अभी इंशाल्लाह तकरीबन 1 बजे तक 1:15 बजे तक हम लोग सक्कर पे होंगे इंशाल्लाह। ये रोड दोबारा से टू वे हो गई है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड थी उसका पैच ख़त्म हो गया, तो यहाँ से दोबारा रोड खुल गई है और अभी हम लोग रवा दवा हैं सक्कर की तरफ। जज़ाकअल्लाह जी। तो व्यूअर्स, बस आप हम सफ़र में हैं और आप लोग दुआ करें हम खैरियत से पहुँच जाएँ, और फिर आपको अब हम सुबह की वीडियो दिखाएंगे। आपके मुकाबले का कोई नहीं है, अली भाई को सेंड किएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं। हम लोग बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह करीम सेफली सक्कर टू मुल्तान M5 मोटरवे पे आ गए और अभी टाइम हो रहा है 1:09। गाड़ी की स्पीड अभी नॉर्मल रखी हुई है। ये जो जोन है, मतलब आप लोग भी मतलब 120 किलोमीटर्स पर आर से ऊपर ओवर ड्राइव मत करें, ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए सेफ है। और अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप होगा इंशाल्लाह, वो जो नेक्स्ट कोई भी क़्यामत-ए-आम आएगा वहाँ रुकेंगे, रेस्ट एरिया के अंदर या कोई भी फ्यूल फिलिंग स्टेशन, क्योंकि मुझे फ्यूल लेना है, फ्यूल थोड़ा है। और बस अब हम लोग सक्कर से मुल्तान के लिए रवाना हो गए हैं, मुल्तान पहुँच के आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, ये सक्कर इंटरचेंज से 45 किलोमीटर्स के बाद ये GP स्टेशन आता है, एक मैं दिखाता हूँ। और जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं फ्रॉम कराची टू लाहौर या लाहौर से कराची, ये जो GP स्टेशन हैं एग्जेक्टिव वॉशरूम्स हैं, और ये वॉशरूम बड़े इन्होंने हाइजीन इसमें मेंटेन करके रखते हैं ये लोग, बहुत अच्छे वॉशरूम्स हैं, साफ़ सुथरे। तो आप लोग भी जब ट्रैवल करें तो इसको ज़रूर यूज़ करें। और GP स्टेशन बेसिकली 45 किलोमीटर है सक्कर इंटरचेंज से, तो अपनी फ्यूलिंग का भी ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे जो अगला फ्यूल स्टेशन है वो बहुत दूर है। जी तो व्यूअर्स, ये हम सक्कर से काफ़ी आगे आ चुके हैं और हानिया को बहुत प्यास लग रही है, इसलिए हानिया को हम दिलाएंगे जूस। कौन सा लेना है जूस, जल्दी लो और चलें। और वो देख लें, वो ये जो हमारे सरफराज भाई हैं ये चाय लेकर आ चुके हैं। खाली चाय पियेंगे, खाली ही पी लें आप, आगे नाश्ता करना है ना। चलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस वक्त कोर्ट अब्दुल हकीम इंटरचेंज क्रॉस कर चुके हैं और मुल्तान से लाहौर वाला जो मोटरवे है उस पर बहुत डीप हो गया, आप देख सकते हैं। सम टाइम तो ऐसे भी पैच मैंने गुजारे हैं पीछे जिसमें बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो थी। अभी हम लोगों की स्पीड भी कम रह गई है और यहाँ से लाहौर तकरीबन 180 किलोमीटर है, और फोग बहुत ज़्यादा होने की वजह से रोड के ऊपर विजिबिलिटी कम है। और अगर आप लोग इसी मौसम में ट्रैवल करें तो आप लोगों को बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो बाकी की अपडेट्स आपको लाहौर पहुंच के इंशाल्लाह शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है बहुत अच्छी और यहाँ हसन भी उठ गए हैं, हानिया भी उठ गई हैं। अब हम अच्छी सी कोई जगह देखते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। अभी आपको मैंने अपडेट किया था ना, देखिए विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अभी थोड़ी देर पहले तो इससे भी ज़्यादा फोग का जो पैच था वो काफ़ी डीप था, तो गाड़ी ऑलमोस्ट रुक गई थी। व्यूबर्स, जिस चीज़ का मुझे अंदेशा था, मैंने बबू भाई से, सरफराज भाई से डिस्कस किया भी था, मैंने कहा हैरत है मुझे, ज़ीरो विजिबिलिटी है उसके बावजूद मोटरवे पुलिस ने बंद नहीं की, लेकिन ये इंटरचेंज
जो नेक्स्ट इंटरचेंज था उसके ऊपर मोटरवे बंद कर दी गई है। एंड देखें कैसे गाड़ियां खड़ी हैं, और ये वहां से मोटरवे उन्होंने बंद कर दिया, सब गाड़ियां खड़ी हैं, देखते हैं कब तक मोटरवे खुलता है। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, मैंने एक दफ़ा सारी रात भी ऐसे गुजारी है गाड़ी में, रात में बंद की थी और सुबह उन्होंने सनलाइट में गाड़ियां छोड़ी थी। सनलाइट तो अभी खैर आई नहीं है, लेकिन मैंने सारी रात इस तरह मोटरवे पे गुजारी भी है एक बार। बहरहाल देखते हैं अभी क्या होता है। जी तो व्यूअर्स, 10 बजे हम ओकाड़ा पहुंच गए थे, वहाँ हमने नाश्ता किया बहुत अच्छा, और अब फाइनली 12 बज गए और हम लाहौर में इंटर हो गए। ये आप लोग देखें, लाहौर आ चुका है और अब हम बस घर की तरफ जा रहे हैं। आवाज़ भी बैठ गई है, पूरी रात जागे, सोए भी हैं जागे भी हैं, तो चलते हैं अब थोड़ा घर जाकर रेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।